गरियाबंद के जिले ब्लॉक मुख्यालय फिंगेश्वर में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषक समिति द्वारा अभिनव पहल कर स्वस्थ पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में मितानिन ग्रामीण व जनप्रतिनिधि समिति के सदस्य उपस्थित थे। सुबह समिति के हजारों महिलाओं ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। समिति के सदस्यों ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवाओं पर समुदाय की निगरानी सशक्त करना तथा समुदाय को अपनी समस्या रखने का अवसर देने के साथ अधिकारियों को क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराना है। आयोजन में उपस्थित मितानिनों ने कई समस्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने रखी। वही कार्यक्रम में ब्लॉक के सभी अधिकारियों सूचना समिति द्वारा दिया गया था, पर कुछ ही विभाग के अधिकारी आए थे। वही बहुत विभाग के अधिकारियों के नहीं आने से जिला पंचायत सदस्य पुष्पा साहू ने कई तरह के सवाल उठाए। लेकिन कुछ समस्या ऐसे है जो पंचायत स्तर पे नहीं हल नहीं हो पाता, उसको विकास खंड स्तर में स्वस्थ पंचायत सम्मेलन रख कर अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या को रखते हैं। और यहाँ और हितग्राही आए हैं गांव के, अपनी अपनी समस्या लेकर वो अपनी समस्या को अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं और उस समस्या का समाधान के लिए यहाँ पे उपस्थित अधिकारी अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल जैसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित है, वैसे सभी विभाग के अधिकारी को रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये आवेदन में आप देख सकते हैं 16 से 17 विभाग को आवेदन दिया गया है, बिल्कुल आना चाहिए। और हर बार मैं इस बात को रखती हूँ कि सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे तभी इस कार्यक्रम का सफल माना जाएगा। इस मामले को लेकर बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी और मैं जिला पंचायत में भी इस बात को रखूंगी। ये आयोजन 2008 से हम कर रहे हैं और इस आयोजन में जितने भी समस्या आते हैं कुछ तो हल होता है और कुछ हल नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे स्वस्थ पंचायत जो सम्मेलन रखते हैं वो अभी तक से ये योजना बना रही है कि ये हमारा हर समस्या हल हो सके और ये हमारा सपना भी है और ये साकार हो सके करके। शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी हर समस्या क्या बोलते हैं उसका समस्या का समाधान उनमें जो विकासखंड स्तर की जो समस्याएं हैं, जैसे बहुत जगह उपवास केंद्र जर्जर हुआ है, कहीं पर पता चला है कि छत से जो है पंखा ही गिर गया है, तो ऐसे भवनों के निर्माण के लिए और उनके जीर्णोद्धार के लिए जो है प्रपोजल शासन को गया हुआ है और के दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। 108 के जो लोग हैं, 102 के लोग लेट लतीफ़ करते आने में, ये जो है जिले स्तर से जो है हम अधिकारियों को आज की जो है समस्याओं से अवगत कराएंगे और शीघ्र ही उसका निराकरण हो जाए। गरियाबंद से उतेश पांडे की रिपोर्ट।